हेलो स्टूडेंट्स, तो लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 205 तक देख लिया था। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ से आप जानते हैं कंटिन्यू ओसीडी पे क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं, तो ये क्वेश्चन भी उसी से रिलेटेड लग रहा है। टू गिव इफेक्टिव नर्सिंग केयर टू ए क्लाइंट हु इज़ यूजिंग रिचुअलिस्टिक बिहेवियर। देखिए, यहाँ इसने साफ दिया हुआ है कि क्लाइंट क्या यूज़ कर रहा है, रिचुअलिस्टिक बिहेवियर यूज़ कर रहा है। द नर्स मस्ट फर्स्ट अंडरस्टैंड दैट द क्लाइंट, इलाज करने से पहले नर्स मस्ट फर्स्ट अंडरस्टैंड, नर्स को क्या समझना चाहिए सबसे पहले, द क्लाइंट। यहाँ से शुरू करेंगे हम इस क्वेश्चन को पढ़ना, बार बार हर ऑप्शन को पढ़ने से पहले ये वर्ड पढ़ेंगे। ठीक है, द क्लाइंट शुड बी प्रिवेंटेड फ्रॉम परफॉर्मिंग द रिचुअल्स। क्लाइंट को रिचुअल्स परफॉर्म करने से हमें रोकना है, प्रिवेंट करना है, ये है इसका मतलब। द क्लाइंट नीड्स टू रियलाइज दैट द रिचुअल्स सर्व्स नो पर्पज। क्लाइंट को ये रियलाइज करवाने की ज़रूरत है कि रिचुअल्स जो है वो कर रहा है, बार बार रिपीटेडली कर रहा है। रिचुअल समझते हैं ना, रीति रिवाज, जैसे फास्टिंग करना या कोई अपना ट्रेडिशन बार बार करना, क्योंकि उसे तो ऑब्सेशन आ रहा है, तो रियलाइज करवाना है उसको कि इनका कोई पर्पज़ नहीं है, ऐसा नर्स को सबसे पहले आप समझना चाहिए। तीसरा है, द क्लाइंट मस्ट इमीडिएटली बी डाइवर्टेड व्हेन परफॉर्मिंग द रिचुअल्स। उसको डाइवर्ट करना है उसका ध्यान रिचुअल्स परफॉर्म करने से। डज नॉट वॉन्ट टू रिपीट द रिचुअल्स बट फील कंपेल्ड टू डू सो। यहाँ से पढ़ते हैं एक बार दोबारा। द क्लाइंट डज नॉट वॉन्ट टू रिपीट द रिचुअल्स बट फील्स कंपेल्ड टू डू सो। देखिए, बहुत आसान क्वेश्चन है। अगर आप ओसीडी के लगातार क्वेश्चन हम जो सॉल्व करवा रहे हैं, अगर आपने पहले के वीडियो देखे हैं, बहुत आसान। क्या हमें ये राइट है कि किसी के रिचुअल्स को हम रोकें कि वो ऐसा ना करें? नहीं। क्या हम ये रियलाइज़ करवाएंगे कि इसके पीछे कोई पर्पज़ नहीं है, तुम बेवजह कर रहे हो इसको, इससे तो और एंग्जाइटी बढ़ेगी। ये तो उसे ही पता है भाई, उसे ओसीडी वाले को तो इनसाइट प्रेजेंट होती है, उसे पता है कि उसे ऑब्सेशन आते हैं रिचुअल्स फॉलो करने के बार बार, तो इसका कोई महत्व तो नहीं है। या इमीडिएटली वर्ड पे फोकस करें आप, इमीडिएटली मस्ट इमीडिएटली कि उसे परफॉर्म करने से हटाएंगे ध्यान, तो बात तो वही हुई। प्रिवेंट वाला, डाइवर्टेड वाला, ये पहला और तीसरा ऑप्शन तो एक जैसा ही हो गया, तो ये भी आंसर नहीं है। देखो, डज नॉट वॉन्ट टू रिपीट द रिचुअल्स, क्लाइंट खुद नहीं चाहता है कि वो बार बार रिपीट करे रिचुअल्स को, उसे पता है कि उसे रिपीट करने से एनजाइटी होती है, लेकिन वो बाउंडेड फील कर रहा है ना, इसी को तो ओसीडी बोलते हैं। ओसीडी मतलब ऑब्सेसिव कंपल्सिव, कंपल्सिव मतलब मजबूरी, उसकी मजबूरी इतनी बन गई है कि उसे एनजाइटी होती है अगर वो रिचुअल्स फॉलो ना करे तो। उसे रिचुअल्स फॉलो करके ही रिलैक्स मिलता है थोड़ी देर के लिए, तो वो फील्स कंपेल्ड टू डू सो, तो कंपेल्ड फील कर रहा है, मजबूर फील कर रहा है। द राइट आंसर इज 4। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 206, व्हाट इज द प्रायोरिटी डिस्चार्ज क्राइटेरिया फॉर अ फीमेल क्लाइंट हु इज यूजिंग रिचुअलिस्टिक बिहेवियर। सेम दोबारा से, फिर दोबारा, यूजिंग रिचुअलिस्टिक बिहेवियर यानी किसका केस है हमारा? ओसीडी का। फीमेल क्लाइंट है, बस क्वेश्चन में दो तीन चीज़ें फोकस करनी होती हैं। क्या क्या? कि एक तो क्लाइंट की कंडीशन क्या है, तो इसमें पता लग गया रिचुअलिस्टिक बिहेवियर है क्लाइंट का। एक प्रायोरिटी डिस्चार्ज क्राइटेरिया पूछ रहा है, डिस्चार्ज करने का प्रायोरिटी जो इंस्ट्रक्शन होगा वो पूछ रहा है। ठीक है, क्या है? देखिए, द क्लाइंट इज एबल टू वर्बलाइज पॉजिटिव एस्पेक्ट अबाउट हरसेल्फ, फॉलो द रूल्स ऑफ द थेरापूटिक मिल्यू, रिकॉग्नाइज दैट हर हेलूजिनेशन अकर एट द टाइम ऑफ एक्सट्रीमली एंगजाइटी एंड कैन बी कंट्रोल, वर्बलाइज साइन एंड सिम्टम ऑफ इंक्रीजिंग एंगजाइटी एंड इंटरवेन टू मेंटेन इट एट अ मैनेजेबल लेवल। देखो, मेरा मानना यह है कि अगर आपने क्वेश्चन ठीक से समझ लिया, तो ऑप्शन आप एक बार भी पढ़ोगे ना कुछ आपको अंदर से लगने लग जाएगा कि यार ये इस पे मैच नहीं कर रहा। जैसे इन्होंने दिया है रिकॉग्नाइज कर पाए क्लाइंट, देखो क्वेश्चन की लास्ट लाइन पढ़ो, द क्लाइंट इज एबल टू रिकॉग्नाइज दैट हर हेलूजिनेशन। भाई, हेलूजिनेशन कहाँ से आ गए ओसीडी में? ऐसा कुछ तो रिलेट होता ही नहीं है ओसीडी से, गलत हो गया। फॉलो द रूल्स ऑफ द थेरापूटिक मिल्यू, मिल्यू थेरेपी सराउंडिंग्स को मेंटेन करती है, कम्युनिटी जैसा एनवायरनमेंट देती है। ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन कहीं कोई रिलेशन ही नहीं लग रहा है इस क्वेश्चन से, इस ऑप्शन का, ये भी गलत हो गया। पॉजिटिव एस्पेक्ट अबाउट हर सेल्फ क्लाइंट बताए, ठीक है, बट
रिलेटेड नहीं कर रहा। देखिए साफ साफ लग रहा है फोर्थ ऑप्शन में, क्लाइंट को हम स्लाइड बना देंगे प्रायोरिटी डिस्चार्ज इंस्ट्रक्शन से पहले कि वो वर्बलाइज कर पाए अपने साइन एंड सिम्टम जब भी उसे एंजाइटी हो, इंक्रीजिंग एंजाइटी मतलब ओसीडी में एंजाइटी होती है, जब भी उसे एंजाइटी हो हम उसके साइन एंड सिम्टम को वो वर्बलाइज कर पाए, बता पाए सामने वाले को कि उसे क्या फील हो रहा है, एंड उसे इस लेवल पर हम उसे समर्थ बना देंगे कि वो मेंटेन कर पाए मैनेजिएबल लेवल पर अपनी जो एंजाइटी है उसे मैनेज कर पाए कि कैसे मैनेज उसे करनी है। तो राइट आंसर जो इस क्वेश्चन का है फोर। क्वेश्चन है हमारा, ए साइकेट्रिस्ट प्रेस्क्राइब एन एंटी ऑब्सेशनल एजेंट यानी ओसीडी की ड्रग के बारे में बोल रहे हैं ये, फॉर अ क्लाइंट हु इज यूजिंग रिचुअलिस्टिक बिहेवियर, ठीक है ओसीडी की ड्रग है, ए कॉमन एंटी ऑब्सेशनल मेडिकेशन दैट द नर्स कैन एक्सपेक्ट। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, मतलब सिंपल का मतलब डायरेक्ट ड्रग है, डायरेक्ट ड्रग का क्वेश्चन है, पूछ रहा है ओसीडी की ड्रग पूछ रहा है ये सीधे सीधे। तो प्रैक्टिशनर्स ने क्या ऑर्डर किया है देखते हैं ओसीडी के लिए, फ्लुवोक्सामाइन, बेंजोट्रोपाइन, एमेंटाडाइन, डाइफेनिहाइड्रामाइन। इसमें मैं ज़्यादा नहीं समझा पाऊंगा आपको क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन है, ड्रग का क्वेश्चन है, आपको पता होना चाहिए। देखो ऐसे हिंट बना सकते हैं, बेनेड्रिल तो खांसी में, कफ सीरप आपने यूज़ की होगी, ये लिखा हुआ है देखो बेनेड्रिल, डाइफेनिहाइड्रामाइन तो ये तो कफ सीरप है, एंटी हिस्टामिनिक है, ठीक है इसको हटाओ। एमेंटाडाइन एक ड्रग होती है जो पार्किंसनिज्म वगैरह के सिम्टम को ठीक करती है, डोपामिन रिलीजिंग एजेंट होता है ये, तो इसकी नॉलेज होनी चाहिए आपको तभी आप आंसर लगा पाएंगे। बेंजोट्रोपाइन भी एंटी हाइपरटेंसिव एंटी पार्किंसनिज्म एजेंट है, बेंजोट्रोपाइन हाइड्रोक्लोराइड एंड बाइपेरिडाइन हाइड्रोक्लोराइड, तो ये भी आंसर नहीं है। तो जो बचा देखो, वैसे भी माइन लग रहा है, जैसे आपने सुना होगा इमिप्रामाइन, क्लोइमिप्रामाइन, ट्राइमिप्रामाइन, डेसिप्रामाइन, ये जितनी भी माइन 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 है ये सब एंटी डिप्रेजेंट है और एंटी डिप्रेजेंट ही चलती हैं ओसीडी में, तो ये फ्लोक्सामाइन इज द राइट आंसर, फर्स्ट इज द राइट आंसर फर्स्ट। आज के वीडियो में इतना ही, जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे एंड गुड लक।